नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएम मोदी 7 अगस्त को करेंगे अन्न उत्सव का उद्घाटन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीएम मोदी 7 अगस्त से अन्न उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें, इस योजना के तहत गरीबों को 10-10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अन्न उत्सव का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अन्न उत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी, जहां राज्य के 4,89,89,855 लाभुकों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। बता दें, राज्य के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जानकारी दी है कि प्रदेश के 25,000 से अधिक पीडीएस दुकानदारों से मुफ्त राशन बांटा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस कारण झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। बता दें, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा में दोपहर बाद बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। HEC में 206 पदों के लिए आवेदन। मैट्रिक पास युवाओं के लिए HEC में बम्पर वैकेंसी निकली है। बता दें, 8वीं से लेकर 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। शिल्प कौशल प्रशिक्षण योजना के शैक्षणिक सत्र 2021-21 और 2021-23 के लिए 206 ट्रेनिंग के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम व बड़ा तालाब का होगा कायाकल्प। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित रांची शहर की विभिन्न विकास परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एवं बड़ा तालाब का कायाकल्प होगा। सुंदर रांची के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता की भागीदारी जरूरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ साथ आम जनता की सहभागिता भी जरूरी है। सरकार की विकास योजना अनवरत चलती रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हमें तभी पूर्ण रूप से मिलेगा जब हम जागरूक होंगे। बता दें, 84 करोड़ की लागत से रांची शहर के सुंदरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आज 7 राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। शनिवार को झारखंड समेत 7 राज्यों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक रांची में होगी। बता दें, इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व बिहार शामिल हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की बैठक करमटोली में होगी। यह जानकारी आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज के धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के लिए धर्म कोड आंदोलन को धार देने के लिए कई राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। सरकार को 5-5 फीट जमीन दान करे लोग, सीएम हेमंत। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से रांची शहर में 84 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। शुक्रवार को जयपाल सिंह स्टेडियम कचहरी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 45 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए आम लोग अगर 5-5 फीट जमीन सरकार को दे तो विकास को गति मिल सकती है और शहर के संकरी सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है। रांची में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रैफिक पोस्ट पर लगेगा पोर्टेबल हॉट। रांची की सड़कों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, वे अब बारिश और धूप से बच सकेंगे। शहर के प्रमुख ट्रैफिक पुलिस पोस्ट पर पोर्टेबल हॉट लगाने की तैयारी है। पोर्टेबल हॉट लगाने का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से बचे समय में थोड़ी राहत प्रदान करना है, जिससे वह मुस्तैदी से ड्यूटी कर सके। गुरु पूर्णिमा आज होंगे कई आयोजन। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार को है। बता दें, राजधानी में गुरु पूर्णिमा पर कई अनुष्ठान और आयोजन होंगे। विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मौके पर आभासी पूजा अर्चना और मानसिक रूप से गुरु को नमन करने में साधक भागीदारी निभाएंगे। बता दें, भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए सनातनी समाज के लोग अपने इष्ट गुरुदेव को स्मरण करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। झारखंड को मिली कोविशील्ड की 5,30,000 डोज। राज्य में कोविशील्ड वैक्सीन की 5,30,430 डोज का आवंटन किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। सिविल सर्जनों को निर्देशित किया गया है कि वे शनिवार को वैक्सीन का उठाव सुनिश्चित करवा ले।
बता दें राजधानी रांची को 40,000 टीके की डोज उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा धनबाद जिले को 29,500, चतरा को 21,000, देवघर को 23,000, धनबाद 39,000, दुमका को 21,000, पूर्वी सिंहभूम 35,000, गढ़वा को 21,000, गिरिडीह को 36,000, गोड्डा को 22,000। झारखंड में 39 नए केस मिले हैं, जो रांची से 5, पूर्वी सिंहभूम से 9, हजारीबाग से 1, बोकारो से 7, धनबाद से 4, कोडरमा से 2, देवघर से 1, गिरिडीह से 1, लातेहार से 2, खूंटी से 1, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2, गढ़वा से 1, गोड्डा से 2 मिले हैं। झारखंड में 45 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 299 है। भारत में 39,439 नए केस मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 403,346 है। झारखंड में एक्टिव केस रांची 63, पूर्वी सिंहभूम 27, हजारीबाग 12, बोकारो 30, धनबाद 26, रामगढ़ 17, पश्चिमी सिंहभूम 3, कोडरमा 21, पलामू 8, देवघर 14, गुमला 7, गिरिडीह 1, लातेहार 4, खूंटी 3, सरायकेला खरसावा 11, सिमडेगा 18, गढ़वा 1, लोहरदगा 11, चतरा 2, गोड्डा 6, जामतरा 4, साहेबगंज 7, दुमका 2, पाकुड़ में 1 मरीज एक्टिव हैं। व्हाट्सएप पर परेशानियां साझा करेंगी आरपीएफ की महिला जवान। आरपीएफ में महिला जवानों की समस्या दूर करने के लिए थाना व मंडल स्तर पर अब व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। बता दें दक्षिण पूर्व जोन आरपीएफ के आईजी डीबी कसार ने बुधवार को यह आदेश दिया है। यह आदेश टाटा नगर, आदित्यपुर, सीनी, चक्रधरपुर, चाईबासा व चंडीला समेत रेल मंडल के विभिन्न आरपीएफ थाने में आया है। आईजी द्वारा जारी पत्र के अनुसार आरपीएफ की महिला जवान और पदाधिकारी बैरक थाना या ड्यूटी स्थल पर हो रहे परेशानियों को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगी। 9 अगस्त से बिजली कर्मी करेंगे राज्यव्यापी हड़ताल। झारखंड राज्य के विद्युत कर्मियों के 24 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए 9 अगस्त से राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। यह जानकारी झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामकृष्ण सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 2019 व 8 अगस्त 2020 को हुए समझौते में तय हुआ था कि 24 घंटे कार्य निर्वाह करने के कारण 6% विशेष ऊर्जा भत्ता बिहार की तर्ज पर दिया जाएगा। साथ ही 300 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली होने पर ही भुगतान किया जाएगा। अभी तक बिजली कर्मियों ने मेहनत कर 403 करोड़ रुपए का राजस्व ग्राहकों से वसूला है, फिर भी समझौता पर अमल नहीं किया गया। कोरोना में पति खोने वाले महिलाओं को हर महीने मिलेगा मुफ्त राशन। कोरोना में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की तैयारी चल रही है। इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के साथ हर माह राशन दिया जाएगा। राशन लेने के लिए उन्हें डीलरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आंगनबाड़ी केंद्रों से उनके घर राशन पहुँचाया जाएगा। बता दें जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं होगा, उनका राशन कार्ड भी बनाया जाएगा। रांची के वीआईपी इलाके में आईएएस बनकर रह रही युवती गिरफ्तार। रांची में अरगोड़ा थाना की पुलिस ने अशोक नगर कॉलोनी से एक फर्जी महिला आईएएस को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम मोनिका है और वह मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा कला की रहने वाली है। उसने वीआईपी इलाके में सुमार अशोक नगर कॉलोनी में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर किराए पर मकान लिया था। उसने न सिर्फ घर के बाहर असिस्टेंट कलेक्टर का नेम प्लेट लगा रखा था, बल्कि घर पर बॉडीगार्ड, सरकारी कार और रसोईया को भी रखा था। इससे लोगों को यह लगे कि वह आईएएस अधिकारी है। स्कूल खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर स्कूलों को खोलने पर विचार करने का आग्रह किया। पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री को बताया कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने से घरों में रह रहे बच्चे कुंठित हो रहे हैं। मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम उनकी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए किसी ऐसे मैकेनिज्म पर अब विचार करने का वक्त आ गया है जिससे फिलहाल कम से कम 8वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल को खोला जा सके। बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 29 तक आवेदन। राज्य के बीएड कॉलेजों में सत्र 2020-22 के लिए खाली रह गए सीटों के लिए सीएमएल रैंकिंग वाले विद्यार्थी सीधा नामांकन ले सकेंगे। बता दें रांची विश्वविद्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय के समानता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में कुल 175 सीटें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम कुमार ने बताया कि
CML रैंकिंग वाले विद्यार्थी 29 जुलाई तक बीएड महाविद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति नहीं होने पर शिक्षा सचिव को शोक आज। गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव को शोक आज किया है। एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने सचिव को यह बताने को कहा है इस मामले में कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया है। सचिव को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में संस्कृत और इतिहास के शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की है। होमगार्ड में लंबे समय से एक ही पद पर जमे कर्मी जताया विरोध। झारखंड में होमगार्ड जवानों की पोस्टिंग को लेकर विवाद हो गया है। होमगार्ड के कर्मियों के एक ही पद या एक ही जिले में 3 साल से अधिक की पद स्थापना का विरोध होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है। वहीं एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने पूरे मामले में होमगार्ड समादेष्टा हरिलाल चौहान के खिलाफ भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2015 में अंकित है कि कर्मियों की कुल पदस्थापना अवधि एक जिले में 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। कांग्रेस भवन में शुक्रवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाई स्कूलों में 25% सीटों पर नियुक्ति और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। बता दें बारिश के बावजूद अभ्यर्थी धरना पर बैठे रहे और भींगते हुए नियुक्ति की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा द्वारा समझाए जाने और आश्वासन पर करीब 5 घंटा के धरना के बाद अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त किया। PLFI सनीचर की मौत की होगी CID जांच। झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा सनीचर सुरीन की मुठभेड़ में मौत की CID जांच होगी। राज्य पुलिस CID ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 जुलाई को खोटी चाईबासा के सीमा पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में सनीचर को पुलिस बलों ने मार गिराया था। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सनीचर की मौत की जांच CID से कराई जाएगी। बता दें खोटी पुलिस के स्मॉल एक्शन टीम के साथ मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी सनीचर मारा गया था। बाबा मंदिर के आसपास 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेगा उड़नदस्ता दल। कोविड संक्रमण और संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्तमान में देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक है। ऐसे में श्रावणी मेला के आयोजन नहीं होने की स्थिति में विधि व्यवस्था व सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। इस बात की जानकारी DC मंजुनाथ भयंत्री ने समरणालय में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के आसपास और रूट लाइन में 24 घंटे उड़नदस्ता दल एक्टिव रहें। छात्रवृत्ति की राशि सरेंडर होने पर होगी कार्रवाई गुमला DC। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को ITDA भवन गुमला में हुई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता DC शिशिर कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान किसी भी सूरत में छात्रवृत्ति की राशि सरेंडर नहीं करने का आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। DC शिशिर कुमार सिन्हा ने वित्तीय वर्ष में आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सका था उन सभी विद्यार्थियों का आधार लिंक तथा आधार मैपिंग कराते हुए 100% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने पर जोर दिया है। झारखंड में मनरेगा के तहत 1419 पदों पर बहाली। झारखंड में रिक्त पड़े करीब 1419 पदों पर मनरेगा कर्मी बहाल होंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर रोजगार सेवक तक के पद शामिल हैं। जिला स्तर पर इसका विज्ञापन जारी करते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।